कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जबलपुर में रोड शो के बाद सभा को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला है। पीएम नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह पर जमकर हमला बोला और एक बार फिर जातिगत जनगणना पर जोर दिया है। दलितों का एक रुपया, और फिर ये लोग कहते हैं कि ओबीसी की सरकार है, दलित तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि देखिए, दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। कैसे करेंगे? आपको कभी चोट लगी है? लगी किसी के यहां पे टांग टूटी कभी आपकी? जब आपकी टांग टूटी थी, पहला काम क्या किया आपने? अस्पताल गए, अस्पताल में आपने एक्सरे मांगा, आपने कहा कि भैया मुझे लग रहा है टांग टूटी है, मुझे एक्सरे चाहिए। एक्सरे हुआ, डॉक्टर ने कहा देखो भैया एक्सरे हुआ है, आपकी टांग टूटी। इसलिए मैं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान का एक्सरे होना चाहिए, करा दो एक्सरे और पता लगाओ हिंदुस्तान की सच्चाई क्या है। मुझे दिख रहा है कि ओबीसी वर्ग को, दलित वर्ग को, आदिवासी वर्ग को दर्द हो रहा है, जबरदस्त दर्द हो रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि भैया एक्सरे करा दो, पता लगा दो कि इस देश में आदिवासी कितने हैं, दलित कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, और ओबीसी में कौन सी जात कितनी है। मेरा आपसे सवाल है, आपकी भागीदारी, दलितों की भागीदारी 1% से कम है क्या? आपकी आबादी 1% से कम है? तो जितनी आपकी आबादी है उतनी आपकी भागीदारी होनी चाहिए, जितनी जितने पिछड़े लोग हैं उतनी भागीदारी उनकी होनी चाहिए। अब भैया मुझे बताओ, मध्य प्रदेश में पिछड़ों को 53 अफसर में से एक अफसर मिला है, 100 रुपए में से 33 पैसे ओबीसी अफसर खर्च करते हैं, निर्णय लेते हैं। क्या ओबीसी की आबादी 0.3% है मध्य प्रदेश की? क्या नहीं? मैं आपको आज बता रहा हूं कि ओबीसी की आबादी कम से कम 50% 55% है। अगर आपकी आबादी 55% है तो सरकार चलाने में आपका सिर्फ एक अफसर क्यों? और वो अफसर, उसको कोई काम नहीं दिया, वो बैठा रहता है। 100 रुपए में से सिर्फ 33 पैसे का निर्णय लेता है। जब मैंने ये बात पार्लियामेंट में रखी, नरेंद्र मोदी चुप हो गए। कहते हैं, पहले कहते थे मैं ओबीसी जात का हूं, हर मीटिंग में कहते थे ओबीसी जात का। मैंने कहा भैया आप ओबीसी जात के हो, सब ठीक, सब कुछ ठीक है, आप हवाई जहाज में उड़ते हो, हर रोज नए कपड़े पहनते हो, ओबीसी जात का आपने फायदा तो उठा लिया, चुनाव जितवा लिए, मगर जब ओबीसी जात की भागीदारी की बात आती है तो आप कहते हो हिंदुस्तान में कोई जात नहीं, ना कोई दलित, ना कोई आदिवासी, ना कोई ओबीसी। वोट लेने जाते हो, कहते हो भैया मैं ओबीसी हूँ। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।